इस गाड़ी को टोटली रिपेंट किया गया है, इसका फिनिशिंग बहुत ही जबरदस्त निकल के आया है। जो मेन हाईलाइट है इसका कैप्टन सीट, जी हाँ ये 7 सीटर गाड़ी है, इसको कन्वर्ट किया गया है 7 सीटर में ही। अपना स्कॉर्पियो पुराना वाला स्कॉर्पियो था, अगर आप नया स्कॉर्पियो एन भी लेते हैं या फिर स्कॉर्पियो जो क्लासिक आ रहा है अभी, उसको भी अगर आप 7 सीटर से कैप्टन सीट चाहते हैं तो वो भी बन जाएगा। और किसी के पास अगर कैप्टन सीट है उसको 7 सीटर बनाना है तो भी हो जाएगा। इनोवा भी कैप्टन सीट बना सकते हैं और आप क्रिस्टा को भी कैप्टन सीट बना सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं हूं अभी ऑटो शूट में और एक गाड़ी का आपको कस्टमाइजेशन दिखाने के लिए आ गया। काफ़ी दिन बाद मैं वीडियो शूट कर रहा हूं ऑटो शूट का, काफ़ी महीना हो गया कि एक भी वीडियो नहीं आया ऑटो शूट की तरफ से, तो सोचा एक अभी गाड़ी आई हुई थी तो इसका बहुत बढ़िया कस्टमाइजेशन हुआ है। इसका जो मेन हाईलाइट है मैं अभी थोड़े देर में आपको बताने वाला हूँ। पहले बता दूँ ये गाड़ी कौन सा, ये गाड़ी है स्कॉर्पियो क्लासिक, पुरानी वाली मॉडल है, स्कॉर्पियो एन नहीं है। और इसका जो मेन हाईलाइट है इसका कैप्टन सीट, जी हाँ ये 7 सीटर गाड़ी है, इसको कन्वर्ट किया गया है 7 सीटर में ही। जी हाँ, मैं भी बीच में कंफ्यूज हो गया था कैसे हुआ, आपको मैं अभी दिखाता हूँ। सो गाइस फाइनली ये कैप्टन सीट, तो आपको बता दूँ पहले इसमें लगा हुआ था लंबा वाला सीट जो ओरिजिनली आता था, तो उसको हटा के इसको कैप्टन सीट में कन्वर्ट किया गया। अगर आप बैक में भी नोटिस करोगे तो स्कॉर्पियो क्लासिक में साइड में आता था दोनों तरफ सीट, तो उसको भी चेंज करके इसमें लंबा वाला सीट लगाया गया है। तो पीछे 3 जन आराम से बैठ सकता है, 2 यहाँ बैठ सकता है और 2 तो आगे बैठते ही हैं, तो टोटल हो गया 7 सीटर। पहले भी 7 सीटर था, बस डिफरेंस ये है कि लंबा वाला सीट हट के इसमें कैप्टन सीट लग गया है और जो बैक सीट में साइड वाला सीट था वहाँ लंबा वाला सीट लग गया है, यही डिफरेंस है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं आगे से। स्टेयरिंग कवर लगा हुआ है स्टिचिंग वाला, एकदम सिंपल एंड सोवर, कोई भी मल्टी कलर नहीं है, लेकिन आप सीट में देखोगे तो मल्टी कलर है, ब्लैक एंड टैन का यूज़ किया गया है। यहाँ कतली डिज़ाइन दिया हुआ है थोड़ा सा स्पोर्टी लुक देने के लिए। आर्मरेस्ट सिंपल ब्लैक कलर में है। गियर जो लीवर है इसका ये भी सिंगल टैन कलर में है और बैक सीट भी ब्लैक एंड टैन और डोर पैड भी यहाँ सिंपल 10 रखा गया है। और एक चीज़ बताना भूल गया, इसमें फ्लोर लेमिनेशन भी हुआ हुआ है, तो फिलहाल तो आपको दिख नहीं रहा होगा, तो थोड़ा बहुत 3:30 बजे करीब मैं लिया था थोड़ा सा वीडियो, तो आपको मैं आपको दिखा देता हूँ तो समझ में आ जाएगा, अभी तो फिलहाल बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका है। सो गाइस अंदर से तो मैंने आपको दिखा दिया, जो बाहर में जो मेजर चेंज है, इस गाड़ी को टोटली रिपेंट किया गया है। ओरिजिनल कलर भी वाइट था, उसको वापस से रिपेंट वाइट में किया गया है, जो इसका फिनिशिंग बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आया है। मैं ये सब पार्ट्स इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप फिनिशिंग इससे आप आइडिया लगा सकते हो। बहुत ही रिजनेबल रेट में हुआ है, इसका ये मतलब नहीं है कि कहीं भी पेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। आप इसमें ग्राफिक्स भी देख सकते हो, OEM ग्राफिक्स लगाया गया है। पहले भी स्कॉर्पियो में यही सेम ग्राफिक्स था, वही सेम ग्राफिक्स को इंस्टॉल किया है। और हेडलाइट में LED लगा है जेनोम कंपनी का, तो बाहर में कुछ यही है, कोई ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं किया गया, खाली रिपेंट ग्राफिक्स एंड हेडलाइट में LED बल्ब लगा गया है। तो मेरे साथ है महावीर जी। हाय। तो आपने देखा जैसे स्कॉर्पियो में जो लंबी वाली सीट था उसको हटा के कैप्टन सीट किया गया, तो महावीर जी अपना जो और बाकी गाड़ी आता है उसमें भी एक कन्वर्जन हो सकता है जिसमें लंबा वाला सीट आता है? जी जी, ये अपना स्कॉर्पियो पुराना वाला स्कॉर्पियो था, अगर आप नया स्कॉर्पियो एन भी लेते हैं या फिर स्कॉर्पियो जो क्लासिक आ रहा है अभी, उसको भी अगर आप 7 सीटर से कैप्टन सीट चाहते हैं तो वो भी बन जाएगा। और किसी के पास अगर कैप्टन सीट है उसको 7 सीटर बनाना है तो भी हो जाएगा। अच्छा, तो सब हो जाएगा। जी जी। और अगर इनोवा जैसे पुराना इनोवा है? इनोवा भी कैप्टन सीट बना सकते हैं और आप क्रिस्टा को भी कैप्टन सीट बना सकते हैं। अच्छा, मतलब ये कुछ कुछ गाड़ी में मतलब ये हो सकता है, मतलब सब गाड़ी जो भी आता है जैसे MG एक्टर हो गया। हाँ जी, जैसे अभी हाई क्रॉस है ये जी, सब जी, इन गाड़ियों में अभी नहीं है अपने पास फैसिलिटी है, लेकिन इन गाड़ियों में हो जाता है। और बाकी जो अपने हैचबैक गाड़ियां हैं उनमें अगर आर्म रेस्ट का कोई समस्या आ रहा है, जो टॉप मॉडल में आर्म रेस्ट आता है, स्प्लिट सीट आता है, वो सारा कुछ हो जाएगा। वैसे अगर किसी को आर्म रेस्ट चाहिए
तो वो सब कुछ हो जाता है। सो गाइस, कहने का मतलब है जैसे अगर आपके पास अगर पुराना, जैसे पुराना नहीं बोलूँगा, मतलब लो मॉडल गाड़ी है जिसका बैक सीट में आर्मरेस्ट नहीं है या हेडरेस्ट डिटेचेबल वाला नहीं है, तो वो भी अपना हो जाएगा टॉप मॉडल वाला करना। हाँ, टॉप मॉडल वाला रिमूवेबल हेडरेस्ट है। और मैं आपको एक स्पेशल चीज बताना चाहता हूँ कि जितनी भी ये गाड़ियाँ मैं बता रहा हूँ, स्कॉर्पियो, अपना क्रिस्टा है या ओल्ड इनोवा है, इनमें आपको कुछ कोई वेल्डिंग कुछ भी स्क्रू टाइट करने के लिए कुछ होल वोल कुछ नहीं, जैसा सीट है वैसे का वैसा उसमें फिट हो जाता है। अच्छा, सेम ओएम फिटमेंट जैसे? हाँ, सेम ओएम फिटमेंट, मतलब प्लग एंड प्ले। हाँ, प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि इसमें कुछ भी होल नहीं करेगा, कुछ भी एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन का काम नहीं है, ओरिजिनल सीट खुल जाएगा और जो सीट लगेगा वो भी ओरिजिनल ही होगा, कोई भी आफ्टर मार्केट वाला नहीं है। तो किसी को भी ये काम कराना है तो आपको आना है ऑटो सूट में। महावीर जी का और अंकित भाई का डिस्क्रिप्शन में नंबर रहेगा, तो आप लोग कॉन्टेक्ट कर लेना। और भी कुछ इंक्वायरी है अगर इस टाइप का, अभी कैप्टन सीट में कन्वर्ट करना चाहते हो, क्या प्राइसिंग आता है, तो मेजर सब लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि प्राइसिंग क्या है। हाँ, प्राइसिंग तो एक लगभग लमसम आप बता दीजिए। अगर आप कैप्टन सीट के लिए आते हैं तो मेरे पास में जैसे स्कॉर्पियो, जैसे ये स्कॉर्पियो विदाउट सीट कवर, अगर सीट कवर नहीं लेते हैं तो आपको मैं 45-47 के आसपास ये आपको मैं कन्वर्ट करके दे दूँ। और प्रीमियम क्वालिटी के सीट कवर भी अवेलेबल रहते हैं। अच्छा, तो सीट कवर भी वैसा फिटिंग आप देख भैया के वीडियो में देख सकते हैं, फिटमेंट वगैरह जो भी आपको। अच्छा, और एक चीज़ है, बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं क्योंकि ज़्यादातर मैं वीडियो बनाता हूँ उसमें प्राइस ज़्यादातर नहीं बोलता। जी जी। लेकिन बहुत सारा कमेंट ये भी आता है कि प्राइस नहीं बताते। जी, तो जी। एक जनरल और एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जैसे अपना इंटीरियर जो कस्टमाइजेशन होता जी, है ये जी, सब जी। जो बेसिक रेंज कितना से स्टार्ट हो जाता बेसिक है रेंज, मतलब एक नॉर्मल पीयू अगर लेते हैं ऐसे तो पीयू के ऊपर डिपेंड करेगा जी जी जी, जो फैब्रिक हम लोग लेते हैं, लेकिन एक बेसिक स्टार्ट कहाँ से हो जाता है अगर कराना चाहिए? बेसिक स्टार्ट अगर आप छोटा गाड़ी लेके आते हैं तो 20 के आसपास से स्टार्ट होगा। अच्छा, फिर आप जैसे जैसा मटेरियल लेना चाहते हैं, इंटीरियर में क्या करवाना चाहते हैं, रूफ पिलर, डोर पैड, स्टेयरिंग, मेट, आप जैसा चाहेंगे, लेकिन 20 से स्टार्ट हो जाएगा अपना छोटा गाड़ी। हाँ, छोटा गाड़ी आपका स्टार्ट हो जाएगा। स्कॉर्पियो जैसा गाड़ी है तो वो फिर आपको 30 से स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर आप इनोवा क्रिस्टा वगैरह चाहते हैं तो भी यही रेंज होगा, 30 के आसपास का रेंज है। फिर आपको मटेरियल लेके जितना आप चाहते हैं उतना आप मिल जाएगा। और बाकी LED लाइट्स वगैरह इसमें जैसे लगाया है 220 वोट का, बाकी 180 वोट, 150 वोट जितना चाहें आप करवा सकते हैं जैसा चाहें। सो गाइज, आपको इंटीरियर कस्टमाइजेशन का मालूम चल गया होगा कि प्राइस स्टार्ट हो जाता है छोटी गाड़ी 20,000 से और बड़ी गाड़ी 30,000 से। इसमें भी डिपेंड करेगा, इसका ये मतलब नहीं, इंटीरियर में वो चीज़ होता है आपका पिलर होता है, स्टेयरिंग होता है, सीट कवर होता है, डोर पैड होता है, हुड होता है, तो वो चीज़ होता है। तो ये डिपेंड करेगा आप कौन सा फैब्रिक ले रहे हैं। आप इसमें डिजाइनिंग भी इसमें मैटर करते हैं, उससे भी प्राइस? डिजाइनिंग के लिए बाकी लोग मैटर करवाते हैं लेकिन अपना कुछ नहीं है डिजाइन। प्राइस, प्राइस में तो कुछ नहीं, कोई अप डाउन नहीं होगा प्राइस में, वो प्राइस वही रहेगा, डिजाइन अपना पसंद का कुछ भी करवा सकते हैं। तो फैब्रिक जितने भी फैब्रिक सब आता है, इनका कैटलॉग्स इनके पास पड़ा रहता है, तो आप वहाँ से चूज कर सकते हो। बाकी बेसिक एक प्राइस बता दिया, अमाउंट बता दिया आपको, तो छोटा गाड़ी 20,000 और बड़ा गाड़ी 30,000 से स्टार्ट हो जाता है। और आपको डिटेल में जानना है तो कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में आप जरूर से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, और वीडियो में भी आ रहा होगा तो आप कॉन्टैक्ट कर लेना। तो आज के ब्लॉग पर इतना ही रखता है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद है, अच्छा लगा तो डू लाइक, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी टाइप के नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।